बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दिलदार हसन है। दिलदार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की आलू की टिक्कियां की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ स्पेशल इफ्तारी के लिए। तो आप भी अपने घर में इस पर जरूर बनाएं। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह याद रखेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और घंटी के निशान को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी इसी तरह की आने वाले वीडियो आप तक ज्यादा पहुंच सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना खूबसूरत सा बर्तन ले लेंगे इस तरह का। तो यहाँ पर मेरे पास है बेसन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 ग्राम मैंने बेसन का लिया है। तो अब मैं इस बेसन को इसमें डाल देता हूँ। इस तरह ये डाल दिया बर्तन में मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच भुनी हुई मिर्च और आधा चम्मच नमक का लिया। ये सब इसमें डाल दूंगा इस तरीके से। तो ये डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं इधर चमची उठा लेता हूँ इस तरह और इसको थोड़ा सा इस तरह पहले मिक्स कर लेता हूँ इस तरह से। इस तरीके से यहाँ पर ले देते हैं इस तरह, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पानी लगा लेता हूँ इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी अब मैंने लगा लिया। तो इस तरह इसका बटर तैयार कर लेना है। इस तरह बटर तैयार करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से थोड़ा सा और पानी अभी लगा लेते हैं। तो इसी तरह बटर तैयार करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं बटर जो है मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चम्मच को हमने बंद कर लेना है इस तरह। तो इसको इधर नीचे रख देते हैं इस तरह। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम अपनी खूबसूरत कढ़ाई ले लेंगे। इसमें मैंने पहले से घी डाल लिया था। तो फ्लेम को ऑन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो घी को हमने गर्म करना है। घी को गर्म करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं घी जो है गर्म हो चुका है। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह उठा लेंगे और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से इस तरह देख सकते हैं। और इस तरह इसमें डाल देंगे। तो इसी तरह दूसरी उठा लेंगे, इसको भी इसी तरह कर लेना है इस तरह। ये जो बटर है इसमें इस तरह कर लेना है। तो इस तरह मैंने कर लिया है। तो इसको भी इधर नीचे डाल देता हूँ घी में। तो इस तरह और इसी तरह बना देता हूँ इस तरीके से। तो इसी तरह इस तरह बनाकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया। तो 2-3 मिनट हम इसे इस तरह पका के 2-3 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह इनको हला लेना इस तरह इस तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है तैयार हो चुके हैं। तो इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बाहर निकाल लिया है। तो इसी तरह मैं और बना लेता हूँ इस तरह सारिया बनाकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। इस तरह सारिया बनाकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। इस तरह
मुझे छोटा भाई समझ के जरूर सपोर्ट करने, आप सब भाइयों ने और चैनल बनाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी लाजमी दबाएं। तरीके से तो इसी तरह सारे बना कर फिर बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह, तो इसी तरह बना कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह टिक्के जो मैंने सारी तैयार कर लिए हैं, तो इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, फ्रेम को मैं बंद कर लेता हूँ, फ्रेम को बंद कर लिया है। तो अब मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ इस तरह। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस तरह डिश तैयार करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आलू की टिक्कियों की रेसिपी बनाकर आपको दिखा दी है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो मुझे छोटा भाई समझकर जरूर सपोर्ट करें, अच्छा भाई कि मुझे सपोर्ट चाहिए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना प्यार रखना, दुआ में याद रखना। मैं भी अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। यार प्लीज़ मेरी सपोर्ट करते हैं, मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपके अम्मी अब्बू सलामत रहें, खुशबार रहें, आपके साया बरकत रहे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।